This is the new Oppo Reno 12 Pro 5G. और ये सिर्फ एक फोन नहीं, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपकी फिंगर टिप्स पर ला करके आपकी जिंदगी को आसान बनाने का एक मौका देता है। लेकिन कैसा सच में है? क्या ये फोन सच में आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरेगा? तो चलो फिर पता लगाते हैं इस वीडियो में Oppo Reno 12 Pro 5G की सारी AI कैपेबिलिटीज, और ये भी पता लगाएंगे कि क्या ये फोन सच में आपकी जिंदगी को थोड़ा बेटर बना सकता है। अब क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस Oppo Reno 12 Pro 5G का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, तो उसी से शुरुआत करते हैं। ये सिर्फ एक फोन नहीं है, ये आपका AI ब्रो है जो आपकी हर जरूरत का ख्याल रखेगा। अगर पिक्चर क्लिक करते हुए आपकी पिक्चर में कोई अनवांटेड चीज आ जाती है, जैसे कि ये महाशय, तो वरी नॉट, आपका पिक्चर स्पॉइल नहीं होगा क्योंकि AI इरेजर 2.0 एक क्लिक में इसको गायब कर सकता है जैसे मैजिक। मैंने इस फीचर को मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करके देखा एंड बिलीव मी, ये काफी एक्यूरेट है। आप कैमरा सैंपल्स में इसका मैजिक देख सकते हैं, कैसे इसने बैकग्राउंड से डिस्ट्रैक्शंस भी हटा दिए और बड़ी सफाई से बैकग्राउंड रिस्टोर भी कर दिया। जब भी हम कोई ग्रुप पिक्चर क्लिक करते हैं तो ऐसा हर बार होता है कि एक बेचारे का फेस ब्लर्ड या फिर लाइटिंग कंडीशन की वजह से उसके फेस के डिटेल्स वगैरह विजिबल नहीं हो पाते। ऐसे में AI क्लियर फेस मसीहा बनकर चार चांद लगाता है, और अगर किसी की आंख बंद हो गई है या फिर कोई इधर उधर अपनी दुनिया में खोया हुआ है तो भी वरी नॉट, AI बेस्ट फेस फीचर से ये आपके फेस का बेस्ट automatically patch कर देगा over the image. It works like magic. See the samples for yourself. अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो तो Oppo Reno 12 Pro 5G में AI स्टूडियो भी मिलता है, जिससे आप अपनी पिक्चर्स को AI जनरेटेड पोर्ट्रेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर कुछ अलग करना चाहते हो, जैसे यू वांट टू टर्न योरसेल्फ इनटू अ कावबॉय या फिर एक एनिमे कैरेक्टर, वो भी कर सकते हो। या फिर इमरजेंसी के टाइम पे लिंक्डइन के लिए प्रोफेशनल इमेज चाहिए लेकिन आपके पास सारी कूल पोज वाली इमेजेस हैं, तो भी Oppo Reno 12 Pro 5G का AI स्टूडियो इज होल्डिंग योर बैक। मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाना एक ऐसा बोरिंग काम है जो आई डोंट थिंक किसी को भी पसंद होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि AI रिकॉर्डिंग समरी फीचर से आपको पूरी मीटिंग की समरी मिल जाएगी, वो भी नोट्स में, तो क्या ही बात है। इस फीचर को यूज करके आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट नोट मिस नहीं होगी और आप बन जाओगे अपने ऑफिस के मिस्टर परफेक्ट। Oppo AI टूलबॉक्स भी लेकर आया है, जिसमें आपको साइडबार पे फंक्शन के हिसाब से रिकमेंडेशन भी मिलती है। अगर आपको लिखना है अपना होमवर्क या फिर क्लाइंट पेज या फिर मे बी सोशल मीडिया के लिए कैप्शन, और आप फील कर रहे हो लेजी, तो डोंट वरी, इसका AI राइटर है ना, इट विल जनरेट टेक्स्ट बेस्ड ऑन योर प्रॉम्प्ट इन नो टाइम। और बस इतना ही नहीं, अगर लंबे लंबे आर्टिकल्स इन PDFs पढ़ने में आपको भी सिरदर्द होता है, तो AI स्पीक विल इजीली रीड देम आउट फॉर यू, एंड AI समरी से आप टाइम बचाकर उनकी समरी भी ले सकते हो फॉर योर कन्वीनियंस। क्या बस यही था क्या? अरे नहीं नहीं, AI ब्रो में आपको एक और नया फीचर मिलेगा जिसका नाम है AI स्मार्ट चार्जिंग, फॉर ऑल ऑफ यू आउट देयर जो अपने फोन रात पे चार्जिंग पर लगाकर सो जाते हैं। ये आपके स्लीप पैटर्न को समझकर अपने आप चार्जिंग कट ऑफ कर देता है आपके सोने के कुछ टाइम बाद, एंड सुबह होते ही रिज्यूम भी कर देता है, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन द चार्जिंग टाइम। Oppo Reno 12 Pro 5G के AI फीचर्स तो हैं काफी धमाकेदार, लेकिन अगर फोन का डिजाइन थोड़ा अच्छा होना, थोड़ा पकड़ने में बढ़िया फील हो, तो फोन यूज करने में और ज्यादा मजा आएगा। इज दैट द केस हियर? Yes, definitely yes. सबसे पहले इस फोन का लुक को देखो, एकदम स्लीक एंड स्टाइलिश। इसका डिजाइन थोड़ा सा बॉक्सी नेचर का है, विच एड्स टू द प्रीमियम लुक एंड फील ऑफ द डिवाइस, एंड एज अ रिजल्ट इसमें मिल जाता है आपको बेहतरीन इन हैंड फील। हाथ में पकड़ने में काफी स्लीक भी लगता है, एंड इसकी वजह से काफी लाजवाब इन हैंड फील लगता है इस फोन का, बल्कि नहीं है थैंक्स टू द 7.4 mm स्लिम प्रोफाइल एंड लाइट वेट कंस्ट्रक्शन। सिर्फ 180 ग्राम का वेट है इसका। आपको दो कलर ऑप्शन में मिल जाता है, सनसेट गोल्ड एंड स्पेस ब्राउन, एंड दोनों ही काफी बढ़िया फील एंड फिनिश के साथ आते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो वो भी यहाँ बहुत सॉलिड है, इट्स अ 6.7 inch क्वाड कर्व्ड इनफाइनाइट व्यू स्क्रीन, एंड इस पर कंटेंट देखने में बहुत मजा आता है। इट इज एन AMOLED पैनल, तो ऑफ कोर्स यू विल गेट रिच कलर्स विद डीप ब्लैक्स एंड ब्राइट व्हाइट्स। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो सोशल मीडिया पर ही नहीं, अगर ऐप ड्रॉअर पर भी स्क्रोलिंग करोगे तो भी मक्खन स्मूथ लगने वाली है। 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जिसकी वजह से आपको आउटडोर में भी इसको यूज करने में बिल्कुल इशू नहीं होगा, और क्योंकि HDR10+ भी मिल रहा है, तो कलर्स काफी रिच एंड वाइब्रेंट मिलने वाले हैं। अगर आप फोन इधर उधर गिराने वालों में से हो ना, तो डोंट वरी, Oppo Reno 12 Pro 5G को उससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसकी डिस्प्ले पर आपको मिलती है Corning Gorilla Glass Victus 2 की प्रोटेक्शन। IP65 रेटिंग की वजह से ये डस्ट एंड वाटर दोनों ही रेजिस्ट कर लेता है, और पानी से याद आया, देखिए कैसे स्क्रीन पर ड्रॉपलेट्स होने के बाद भी मैं इसे आसानी से यूज कर पा रहा हूँ। विद स्प्लैश टच आप वेट हैंड से भी अपना फोन आसानी से यूज कर पाओगे। डिजाइन और AI फीचर्स इस फोन का आपको बेस्ट एस्पेक्ट लग रहे होंगे अभी तक, है ना? Well, wait till you hear about its camera. एक इमेज देखो,
लगता है ना जैसे प्रोफेशनल कैमरा से क्लिक करी है, लेकिन नहीं, इट इज शॉट ऑन अ 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा ऑफ दिस लिटिल गाय। यस, ओप्पो रेनो 12 प्रो 5G में आपको प्रोफेशनल जैसा पोर्ट्रेट मिलेगा, मतलब बैकग्राउंड ब्लर एकदम क्रिस्प होगा और सब्जेक्ट पर बढ़िया फोकस रहेगा। साथ ही में इसमें आपको चार डिफरेंट फोकल लेंथ मिलेंगी, 0.6x, 1x, 2x एंड 5x, मतलब आप लैंडस्केप से लेकर क्लोजअप पोर्ट्रेट्स तक इस पर कैप्चर कर सकते हो और हर फोकल लेंथ पर आपको ब्रेथ टेकिंग क्वालिटी और क्लैरिटी मिलेगी। ओप्पो रेनो 12 प्रो 5G में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा मिलता है एंड भाई इट इज केपेबल ऑफ टेकिंग सम अमेजिंग एंड वेल डिटेल्ड शॉट्स। लो लाइट में क्लिक पिक्चर्स में आपको भर भर के डिटेल्स मिलेंगी क्योंकि इसमें यू गेट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जो ग्रेन्स को काफी कम कर देता है। फ्लैश स्नैपशॉट फीचर से इमेज क्वालिटी और भी इंप्रूव हो जाती है क्योंकि ये शटर स्पीड को एम्बिएंट लाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता है। इसमें आपको एक और शानदार फीचर मिलता है जिसका नाम है नेचुरल टोन, जो स्किन टोन को नेचुरल बनाता है, चाहे ये सेल्फी हो या ग्रुप फोटो। ये सीन के हिसाब से एक्सपोजर्स को एडजस्ट करता है जिससे रियलिस्टिक लाइटिंग इफेक्ट्स और नेचुरल स्किन टोन्स कैप्चर होती हैं। साथ ही में 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा भी मिलता है इसमें और इसके 112 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू से एक अच्छी खासी टॉल बिल्डिंग या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को एक ही फ्रेम में आराम से कैप्चर कर सकते हो। कम लाइट में भी इससे बहुत शानदार फोटोज आ जाती है और ये ब्राइट एंड डार्क एरियाज में भी डिटेल्स कैप्चर कर लेता है। अब अगर खुद की फोटोज क्लिक करनी है तो उसके लिए भी 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है यहाँ पे, एंड माइंड यू ये ऑटो फोकस भी सपोर्ट करता है सो दैट जो चाहे फ्रेम हो फोकस आप पर रहेगा। एंड यू कैन मेक इट इवन वाइडर बाय टैपिंग ऑन 0.8x या फिर मेक इट सुपर क्लोज बाय टैपिंग ऑन 2x। इसमें आपको AI पोर्ट्रेट रीटचिंग फीचर भी मिलता है जो आपके फेस के 296 फीचर्स को एनहांस करता है, जैसे कि ब्लेमिशेस को कम करना और स्किन टोन, एज, जेंडर के हिसाब से कम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करना एंड ओवरऑल एक अच्छी इमेज प्रोड्यूस करना। भाई सब फीचर्स बढ़िया हैं, लेकिन क्या Oppo Reno 12 Pro 5G के पास कोर स्ट्रेंथ है टू कैपिटलाइज ऑन दीज एंड परफॉर्म ऑप्टिमली विदाउट स्टटर्स? वेल, आई कैन डेफिनेटली वाउच फॉर इट। अंदर है MediaTek Dimensity 7300 एनर्जी प्रोसेसर जिसको Oppo ने स्पेशली ट्वीक किया है फॉर Reno फोन्स। ये 4 नैनोमीटर प्रोसेस पर बना है, इसका मतलब है कि ये फोन की परफॉर्मेंस स्मूथ होगी और बैटरी भी ज्यादा चलेगी। Oppo Reno 12 Pro 5G में आपको ट्रिनिटी इंजन भी मिलता है, CPU Vita, RAM Vita और ROM Vita, ये तीनों मिलकर फोन की परफॉर्मेंस को बेहतरीन बनाते हैं, ऑफ कोर्स बाय यूजिंग द पावर ऑफ AI। CPU Vita बैटरी लाइफ को इंप्रूव करता है, RAM Vita ऐप लॉन्च और स्विचिंग को फास्ट करता है और ROM Vita स्टोरेज को मैनेज करता है। ओवरऑल Oppo Reno 12 Pro 5G की परफॉर्मेंस काफी स्मूथ एंड एफिशिएंट है, इसीलिए आप इस पर बिना किसी लैग के मल्टीटास्क कर सकते हो और गेमिंग भी एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस सिर्फ प्रोसेसर ही नहीं, अच्छी सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी डिटरमाइन करता है, जिसका जिम्मा बखूबी ColorOS 14.1 उठाता है। See, it's easily one of the best Android UIs out there, जो कि आपको देता है human-centric design, that is very easy to use and is also very efficient. Animations तो butter smooth है ही, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। ColorOS 14.1 में काफी कुछ नया है भाई, जैसे कि Aqua Dynamic, जिसकी मदद से आपके notifications बबल में दिखते हैं। ये status bar से expand होकर आपको सारी information दिखाएगा, बहुत ही flowy, easy to understand और modern way में। और ये दूसरा फीचर तो और भी कमाल है, फाइल डॉक, जिसको यूज करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी ऐप से एक झटके में ले सकते हो, इमेजेस, टेक्स्ट, फाइल्स, सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो अलग अलग ऐप्स में। फिर आप चाहो तो इन सबको फाइल डॉक में रख सकते हो या फिर इवन इंस्टाग्राम स्टोरीज में इनको पेस्ट कर सकते हो। बैटरी की बात करें तो यहाँ 5000 mAh की कैपेसिटी आपको मिल जाती है, जो एक दिन के यूसेज के लिए सफिशिएंट है, और जब चार्ज पर लगाओ तो यू वोंट हैव टू वेट फॉर एंटायरिटी क्योंकि 80 वॉट सुपरवूक इज होल्डिंग योर बैक सिर्फ 46 मिनट, यानी कि अगर डिनर करने बैठने से पहले इसको चार्ज पर लगाओगे तो भी डेजर्ट खाने से पहले ये फुल चार्ज आराम से हो जाएगा। भाई सच कहूं तो Oppo Reno 12 Pro 5G ने मुझे काफी इंप्रेस कर दिया है, इसका AI, कैमरा, डिजाइन, परफॉर्मेंस सब कुछ टॉप नॉच है। अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हो ना जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाए, थोड़ा सा फन बनाए, तो ये बंदे को पता है वो कैसे करना है। अगर आप एक दमदार कैमरा एक्सपीरियंस चाहते हो अपने फोन में जो कि अच्छी परफॉर्मेंस के साथ भी आए, तो भी Oppo Reno 12 Pro 5G डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट पिक होने वाला है। ये दो स्टोरेज वेरिएंट्स में आता है, 12GB RAM 256GB स्टोरेज एंड 12GB RAM 512GB स्टोरेज। दोनों ही वेरिएंट्स की प्राइसिंग एंड सुपर अट्रैक्टिव ऑफर्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। तो फटाफट जाओ डिस्क्रिप्शन खोलो Oppo Reno 12 Pro 5G और इसके ऊपर सभी अट्रैक्टिव ऑफर्स फटाफट से चेकआउट करो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।